नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इटली पहुंचे पीएम मोदी का जोर शोर से हुआ स्वागत। G7 सम्मेलन से तर राष्ट्रपति बाइडेन से कर सकते हैं मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गए। इटली में G7 सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जैक सुलिवन ने बुधवार को ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचा विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। जो बाइडेन के साथ G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे सुलिवन ने एयरफोर्स वन पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जो बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। उनकी उपस्थिति की औपचारिक पुष्टि भारतीय पक्ष पर निर्भर है, लेकिन हमें उम्मीद है कि दोनों को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी की जीत पर बाइडेन ने दी थी बधाई। सुलिवन ने संवाददाताओं से कहा कि जो बाइडेन जब पेरिस में थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी लगातार तीसरी बार जीत के लिए फोन पर बधाई दी थी। एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारी की संलिप्तता से संबंधित आरोपों पर एक सवाल का जवाब देते हुए सुलिवन ने कहा कि अमेरिका इस मामले को उच्चतम स्तर पर उठाना जारी रखेगा। हमने इस मुद्दे पर अपने विचार बता दिए हैं और ये अमेरिका और भारत के बीच वरिष्ठ स्तर सहित बातचीत का एक सतत विषय रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी मेलोनी से भी करेंगे मुलाकात। वहीं भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पद संभालने के बाद गुरुवार को अपने पहले विदेश दौरे पर गुरुवार को इटली रवाना होंगे। इटली ने 14 जून को G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।